हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज का टॉपिक है डिस्कस ई एम फोस्टर्स एसे द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट। वेल, ये नोट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और सिंपल लैंग्वेज आप बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको मैं इस तरह से लिखा हूँ। ऑलराइट, सो मैं बताना चाहूँगा कि ओवरऑल ई एम फोस्टर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और इसमें क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो कलाकार के प्रति समाज का क्या कर्तव्य है, ये बेसिकली उनका कहना यह है कि कलाकार के बनाए गए जो भी चीज़ें हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उनके कामों को अप्रिसिएट करें, प्रशंसा करें, बढ़ावा दें, ठीक है। ये कलाकार लोग कौन होते हैं? ये लोग वे होते हैं जो अद्भुत चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, जैसे गाना, पेंटिंग, कहानी, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो आप उनके कामों को अप्रिसिएट करें। अगर गाना आपको पसंद आता है, पेंटिंग पसंद आता है, कहानी पसंद आता है तो उनके कहानी को, पेंटिंग को, गाने को अप्रिसिएट करें, प्रशंसा करें, ताकि उन्हें बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और उन्हें और भी खुशी मिलेगा कि कोई मेरे गाने को, पेंटिंग को, कहानियों को पसंद कर रहा है, ठीक है। और भी वो आगे बढ़ेंगे अपने फील्ड में और भी अच्छे अच्छे गाने, पेंटिंग, कहानियाँ लिखेंगे, कंपोज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कलाकारों का समर्थन करें, सम्मान करें, ठीक है। तो इसमें समाज का एक महत्वपूर्ण काम यह है कि उनके कामों को अप्रिसिएट करना, ठीक है। अगर हम लोग जो हैं कलाकारों को समर्थन नहीं करेंगे तो वे नए अद्भुत खूबसूरत चीज़ें नहीं कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे और यह समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उन जितना हो सके उनके कामों को अप्रिसिएट करें, प्रशंसा करें। अगर अगर उन्हें उनके पास अगर पैसा नहीं है तो उन्हें फाइनेंशियली रूप से अगर हेल्प करें, ठीक है, उनके कामों को बढ़ावा दें, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया, बेसिकली ये कहना चाहते हैं ये ई एम फोस्टर, ठीक है। सो मैं नोट्स अब मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है, और आपको अच्छे से कॉपी में लिख लेने हैं। आई होप कि आपको ये नोट्स अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको पसंद आएगा ये नोट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।